हेलो फ्रेंड्स, मैं आदि एक्सपेरिमेंट में आपका वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं आज अपनी एक दुख भरी कहानी सुनाना चाहता हूं यार आपको। मेरी फैमिली है ना, वो डेली मुझसे कहती है कि सैल ला यार, सैल ला ला के मैं सैल जैसा हो गया हूं। उन्हों की देन है जो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने कुछ सोचा यार, आदि तू कुछ कर ना इसके लिए, तो मैंने ये इन्वेंट किया है गाइस। ये USB चार्जिंग सेल है जो कि किसी भी USB चार्जर में लग के चार्ज हो जाता है, और इसकी बैटरी की बात करूँ तो महीनों चार्जिंग के बिना भी चल जाएगा। तो चलिए इसकी वीडियो मेकिंग देख लेते हैं। आदि लैब एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, इसकी मेकिंग देखने से पहले हम इसका ट्रायल ले लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसा वर्क कर रहा है। तो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल वायर या फिर सेल नहीं है। और मैं बता दूं कि इसे बनाए हुए मुझे 5 दिन हो गए, और 5 दिन से इसी क्लॉक में लगा हुआ है और बढ़िया वर्क कर रहा है, और अभी तक डाउन नहीं हुआ। तो चलिए इसकी मेकिंग देख लेते हैं कैसे बनाए। दोस्तों, ये जो आप मेरे हाथ में छोटा वाला सेल देख रहे हो, ये डॉटफोन में से निकलता है। वैसे आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो आप मार्केट से ले सकते हो। और ये जो बड़ा सेल मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसका आगे वीडियो में काम है, और ये 4.2 वोल्ट का होता है, और ये भी 4.2 वोल्ट का ही है। और दोस्तों, ध्यान रखना, आप जो सेल यूज़ कर रहे हो वो नॉर्मली सेल के अकॉर्डिंग लेंथ, ब्रेथ और हाइट में सेम हो। सॉरी फ्रेंड्स, हाइट में नहीं, क्योंकि हाइट के लिए तो हम ऊपर इसमें स्लॉट लगाएंगे USB का। तो USB केबल हम यूज़ कर रहे हैं, आपके घर में तो पड़ी होगी कहीं ना कहीं, नहीं तो मार्केट से ले आना यार। तो मेरे पास ये घर में ख़राब पड़ी हुई थी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका हम सिर्फ स्लॉट यूज़ करेंगे। जो इसमें प्लग लगा होता है ऊपर वाला, तो उसका यूज़ करेंगे, तो ये कुछ दिखने में ऐसा हो जाएगा। इसको थोड़ा सा काट लेना गाइस, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था। आप नॉर्मली सेल के अकॉर्डिंग इसको काटना, मैं रख कर दिखा रहा हूँ आपको कितना काटना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको काटना है। फ्रेंड्स, मैंने YouTube पर अभी तक एक भी ऐसी वीडियो नहीं देखी जिसने ये चीज़ बनाई हो, और ये बिल्कुल फ्रेश है आपके लिए। तो हम यहाँ पर एक आई ड्रॉप का यूज़ कर रहे हैं, आई जो आँखों में ड्रॉप डालते हैं उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ जो है बिल्कुल नॉर्मली सेल के बराबर होती है। तो इसको हम काट लेंगे, आराम से काटना, देख कर हाथ वात ना कटे। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा आई बॉटल नहीं मिले तो आप प्लास्टिक का भी यूज़ कर सकते हो, और आप पूरी वीडियो देखने के बाद समझ जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये वायर है, हमने वायर की कोटिंग उतार दी है, और ये अब आगे यूज़ होने वाला है, हम USB स्लॉट में लगाने वाले हैं। तो इस USB स्लॉट में आप गौर से देखिए, एक आपको ब्लैक मार्क दिख रहा होगा, इसको आप लगा लेना, ये माइनस का साइन है, नहीं तो आप भूल जाओगे कि कहाँ था माइनस और कहाँ था प्लस। तो फ्रेंड्स, इस सेल की बॉडी पर प्लस माइनस लिखे हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम ये प्लस माइनस लगा लेंगे। और हमें पता है कि हमारे USB के प्लस माइनस कौन से, क्योंकि हमने पहले ही माइनस का मार्क कर लिया था। तो चलिए अब हम इसे फिक्स कर लेते हैं यहाँ पर फेविक की हेल्प से, या फिर ग्लू गन की हेल्प से, ताकि ये कहीं ना जाए। और इसका फिक्स करना बहुत ज़रूरी है गाइस, कभी चार्जर में लटका ही रह जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप पुराने इस चैनल पर हो तो प्लीज़ लाइक करो यार, और शेयर करते रहो। दोस्तों, ये जो आपको ग्रीन वायर दिख रहा है, इसे याद रखना, मैं बताऊंगा अभी वीडियो में। फ्रेंड्स, मैंने बस इसकी कोटिंग उतार दी है, इसका जो रैपर था, तो अब हम इसका माइनस प्रिंट लगा लेते हैं। गाइस, याद रखना, माइनस पूरी बॉडी पर फैला रहता है सेल की। तो ये दिखने में कुछ ऐसा हो गया है, मैंने जो आपको ग्रीन वायर बताया था उसका यहाँ यूज़ होगा। ये जो आप देख रहे हो, ये जो माइनस हो गया हमारा, और ये जो दूसरा वाला आपको प्रिंट दिख रहा होगा, अभी मैं दिखाता हूँ, ये जो प्रिंट है, तो ये प्रिंट हमारा प्लस का है, जो मैंने ग्रीन वाला वायर दिखाया था ना, प्लस का। और फ्रेंड्स, ध्यान रखना, जब आप जिसे चार्ज करो चार्जर से, तो इसका जो प्लस प्रिंट का बॉडी से टच ना हो, मतलब USB का जो डोंगल है उससे टच ना हो, क्योंकि अर्थ आ सकता है, उसकी वजह से फॉल्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने नॉर्मली सेल का यूज़ किया है, क्योंकि हम प्लस प्रिंट बनाएंगे अपने चार्जिंग सेल का। और दोस्तों, मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया, इसलिए स्किप मत करना, और जिन लोगों ने स्किप करके आगे बढ़ गए हैं वो पीछे जाकर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख ले, नहीं तो आप बाद में कहोगे आदि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, मैंने बिल्कुल खोल खोल के बताया आपको, समझा कर। तो दोस्तों, अब इसकी साइडों को काट लेना इस प्रिंट की, क्योंकि ये सेल में नहीं लग पाएगा वरना, तो अच्छे से काटना। ये कट चुकी है, दिखने में बिल्कुल ऐसी लगेगी। तो अब हम इसमें आयरन की हेल्प से एक प्रिंट बना लेंगे, जिसमें हम अपने सेल का प्लस प्रिंट लगा लेंगे। देख सकते हो आप, बहुत आसानी से मैंने दिखाया, आपको समझ भी बहुत आसानी से आ रहा होगा। अगर कोई पॉइंट रह भी गया हो तो गाइस मुझे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट में जो हमने एक आई ड्रॉप ली थी, उसको हम बीच में से कट कर लेंगे, और इसके बीच के स्पेस को थोड़ा कम कर लेंगे। दोस्तों, सेल के हिसाब से इसे कट करना, सेल के एरिया के हिसाब से, और इसको अब फेविक्विक की हेल्प से हम चिपका लेंगे। फ्रेंड्स, जो पबजी के लवर्स हैं, मैं उनको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैंने एक इन्वेंशन की है जो पबजी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो वो 2-3 दिन में वीडियो आ जाएगी,
उसका वेट करिए। फ्रेंड्स, हमने जो प्लस प्रिंट निकाल कर शोल्ड किया था सेल का, वो हम इसमें लगाएंगे और 5 गिग से अच्छे से चिपका देंगे। ये कैप हमारा रेडी हो चुका है, और गाइस इसे कैप नहीं बोलेंगे, प्लस प्रिंट ही बोलेंगे हम। तो हम इसे टेप से कवर कर देते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। नाउ फ्रेंड्स, हमें एक पिन लेना है जो कि इस कैप में लगेगा प्लस प्रिंट को टच करने के लिए। आपको जो मैंने सेल के ऊपर प्लस प्रिंट दिखाया था ना, वहीं पर ये टच होगा जिसकी वजह से सेल वर्क करेगा। ये इस तरह से आपको लगाना है, बिल्कुल इसी तरह से लगाना है गाइस। आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हो जो आपके माइंड में अच्छा आइडिया है, मेरे माइंड में यही आइडिया आया था गाइस। तो फ्रेंड्स, ये देखो, ये जो पिन है ये प्लस प्रिंट पर जाकर टच होगा, दिख रहा हो आपको? देखो गाइस, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी, और ये टच हो चुका है, तो ये हमारा प्लस प्रिंट होगा और ये माइनस। फ्रेंड्स, मैं फिर बता दूं कि ये जो प्लस प्रिंट है, ये चार्जिंग टाइम पर यूएसबी स्लॉट से टच नहीं होना चाहिए। वैसे नॉर्मली में ये टच हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इस पर टेप करके इसे नया कर लेते हैं। मुझे वैसे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, लेकिन आप चाहो तो इस पर टेप लगाकर इसकी बॉडी पर फिनिशिंग ला सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा रेडी हो चुका है। आप टेप के अलावा कुछ और भी यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। मुझे टेप ही टाइम पर मिली थी इसलिए मैंने टेप लगा दी। चार्जिंग टेस्ट करके देखते हैं कि चार्ज कैसा करता है ये। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 एम्पियर का चार्जर यूज़ किया है, आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मेरे पास यही था इसलिए मुझे यूज़ करना पड़ा। आप नॉर्मली जो कीपैड फ़ोन के चार्जर्स होते हैं उससे आप चार्ज कर सकते हो। तो मैंने लाइट्स ऑफ कर दिए और इसको हम लगाने जा रहे हैं चार्जिंग स्लॉट में। तो गाइज, लगाते वक्त ध्यान रखना, अगर लाइट डिम होती है तो समझ जाना आप कि चार्जिंग पर लग गया है। बिल्कुल डिम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डिम का मतलब है आपकी शॉर्ट हो चुका है ये, और ये हल्की जल रही है, इसका मतलब ये सही चार्ज कर रहा है। और ये मैंने हटाया तो फुल लाइट जलने लगी, आपको दिख रहा हो शायद, अंधेरा बहुत है। तो ये गाइज बढ़िया चार्ज कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहूँ। और आप देख सकते हो मैंने क्लॉक में ये लगा दिया है, फिट कर दिया है, और यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल वायर या फिर कोई सेल नहीं लगा हुआ है। मैं बिल्कुल भी फेक वीडियोस नहीं बनाता हूँ गाइस, और आप देख सकते हो कि ये क्लॉक जो है बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और मैं बता दूं कि 5 दिन से इसी क्लॉक में ये सेल लगा हुआ है और ये बढ़िया वर्क कर रहा है, अभी तक रुका नहीं है। मेरे हिसाब से ये 1 मंथ चल जाएगा एक चार्ज पे, और इसे 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा चार्ज मत करना गाइस। फ्रेंड्स, अभी रुको, मेरे दूसरा डिज़ाइन तो देखते जाओ यार। इसकी भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए बाय।